हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी की बैठक में गुरविंदर सिंह धमीजा द्वारा कमेटी के पदाधिकारी को गाली गलौज किए जाने की घटना से गुस्साए रामगढ़िया समाज और अन्य सिख बिरादरी के गणमान्य सिख गुरुद्वारा छठी पातशाही के दीवान हॉल में इकट्ठा हुए और गुरविंदर सिंह धमीजा द्वारा बैठक में गाली गलौज की जोरदार ढंग से आलोचना की गई। साथ ही फैसला किया गया कि गुरविंदर सिंह धमीजा और बलजीत सिंह दादोवाल की सार्वजनिक रूप से बहिष्कार की नीति पर समाज काम करेगा, क्योंकि गुरविंदर सिंह धमीजा ने जहां सिख समाज की भावनाओं को आहत किया है, वहीं बलजीत सिंह दादोवाल के रवैये की भी आलोचना की गई है। वाहे जी की फतेह। असि अज छहीं पातशाही गुरद्वारा साहब विच खड़ा होके एक मैसेज दे रहे हैं कि जेड़ा पंजोकरा साहब इतवार वाले दिन मनभाजी उहदे विच घटना वापरी है, जेड़ा कि माड़ी शब्दावली दादोवाल वालों ते अपना दमीजे लोग होई है, उहदी असीं विरोधता करने आ कि एक ते इन्हां दा बिल्कुल बाईकाट किया जाए, बाबे दा ते कीर्तन बारे ते हां दस ही दिता है ते उहदा भी बाईकाट किया जाए दमीजे दा भी। बाकी बाबा जी नूं असीं बाबा जी नूं एक मैसेज देना चाहते हैं भी कल बाबा जी नूं असां 4 बजे बुलाया है, बाबा जी साडी हाथ जोड़ के बेनती है कि अवश्य इत्थे पहुंचण, संगतां नूं कुरक्षेत्र दीआं नूं मैसेज नहीं, सारे हरियाणे दीआं संगतां नूं मैसेज है भी सारे हरियाणे चों जिले भाई जिले भाई 1, 2, 4 बंदे 10-20 बंदे जिले भाई आ सकते ने आण के इत्थे। ये जिहड़ी मंदभागी घटना हुई है जी, इहदे लई सारी ही कौम शर्मसार है और इहदे वास्ते असीं अज इत्थे इकट्ठे होए हां। इस तों बाद असीं कल दा प्रोग्राम जिहड़ा रख्या गया समाज साडा सारा कल नूं 4 बजे गुरद्वारा साहब इकट्ठा होएगा, उस तो बाद जिहड़ी भी कार्रवाई पावांगे सारा समाज इकट्ठा होके जिस तरह की कार्रवाई होएगी वो असी फिर मीडिया नूं दोबारा कल नूं असी दसांगे भी इहदे च अगे साडा आगामी जिहड़ी योजना वो की रहेगी। नहीं, निंदा प्रस्ताव तो पास होया ही है जी, वो असी सारे जणे इकट्ठे होके पास किया, पर उहदे उपलक्ष्य दे विच असी कल दा प्रोग्राम उलीकिया, कल नूं असी इस तों ज्यादा इकट्ठ करांगे और कट तो बाद फिर जेड़ा सारी संगत फैसला लेगी उस तो बाद फिर असी मीडिया नूं उस बारे जानकारी देंगे।